महिलाओं के लिए एक सीनियर डॉक्टर ने बहुत अच्छी सलाह दी है। सलाह बहुत साधारण है परंतु जीवन में बेहद उपयोगी है, इसलिए अधिकाधिक महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए ताकि महिलाएं स्वस्थ जीवन जी सके। एक, आप घर के सारे काम एक बार में ही खत्म नहीं कर सकती क्योंकि ये अंतहीन है। जिन महिलाओं ने ऐसा करने की कोशिश की वे बीमार हो गई या जल्दी ही भगवान को प्यारी हो गई। दो, काम के बीच में अपने आराम का भी समय निकालिए, यह कोई पाप नहीं है। थोड़ी देर पैर फैलाकर सोफे, बिस्तर या फर्श पर बैठे, थोड़ी देर कुछ मूंगफली, फूले हुए मक्का या भुने हुए चने के दाने खाए, कोई मनपसंद गीत गुनगुनाए या सुनिए, अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़िए, आप जल्दी ही आराम महसूस करेंगे। तीन, घर के काम करते हुए यदि सिर में दर्द हो गया हो, बहुत थकान हो रही हो तो थोड़ी देर के लिए एक झपकी ले लीजिए। यकीन मानिए आपका सिर दर्द थकान छूमन तर हो जाएगी। जिन्होंने आराम को हराम समझा वे अपने परिवार से जल्दी ही विदा हो गई। चार, सोने के लिए कभी भी नींद या नशे की गोलियों का सहारा मत लीजिए। इनके बुरे प्रभाव से दिमाग और शरीर के अनेक अंग खराब हो जाते हैं, भूलने की समस्या पैदा हो जाती है। सोने के लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए, सोचिए मत, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब कुछ अपने समय पर ही सही हो जाता है। चिंता करने से आप शरीर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी और लीवर की बीमारियों आदि की शिकार हो सकती है। पांच, कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी गुजारिए, किसी पार्क या उपवन में आराम से बैठिए, कुछ सोचिए मत, लंबी सांस लीजिए और बस फूलों, पौधों तथा तितलियों जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को ध्यान से देखकर ईश्वर की कारीगरी की तारीफ कीजिए। उठकर वापस चलने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिए, आपका सारा तनाव छूमन तर हो जाएगा। छह, कभी कभी अपने बेडरूम या बाथरूम में लगे दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारिए, संवारिए। इसलिए नहीं कि आपको किसी पार्टी में जाना है या किसी को दिखाना है, बस अपने लिए, अपने खुद के लिए स्वयं पर ध्यान दीजिए। मन करे तो अपने शीशे के सामने थोड़ा मुस्कुराए, हंसिए या फिर कुछ गुनगुनाकर डांस कीजिए। उन पलों को याद कीजिए जब आपके पतिदेव आपकी सुंदरता की खुलकर तारीफ किया करते थे। यदि आपको अपनी आंखों के नीचे काले घेरे या त्वचा पर झुर्रियां नजर आए तो अपने आप पर तरस मत खाए, बस थोड़ी सी मलाई अपनी त्वचा पर मलिए और धीरे धीरे मालिश कीजिए। बाद में किसी हल्के फेस वॉश से मुंह धो लीजिए। यकीन मानिए आप स्वयं को सुंदर और तरोताजा महसूस करेगी। साथ, किसी दिन जरा सा समय मिले तो अपनी यादों का पिटारा, अपनी शादी की एल्बम खोल लीजिए। उन पलों और उनसे जुड़ी हंसी ठिठोली को याद कीजिए, निश्चित ही आपके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान आ जाएगी। बुरी यादों को मकड़ी के गंदे जालों की तरह झाड़कर बाहर फेंक दीजिए। आठ, यदि मन करे तो अपने लिए भी बाहर से कोई स्नैक या सॉफ्ट ड्रिंक, जूस आदि लेकर उसका आनंद लीजिए। आप हमेशा ही परिवार, बच्चों, पौत्रों आदि के बारे में सोचती रही हैं। कभी कभी अपने लिए भी कुछ लीजिए। नौ, घर में काम ज्यादा हो तो घर में ऐसी मशीनें, गैजेट्स लाइए जिनसे कुछ काम आसान हो जाए। जरूरत हो तो किसी काम वाली बाई की मदद भी लीजिए, मगर रसोई में खाना बनाना और परोसना अपने हाथ में ही रखिए। बच्चों और आपके पतिदेव को इतने प्यार से दूसरा कोई भोजन नहीं करा सकता जितना कि आप स्वयं। अधिक काम से अधिक तनाव होता है और यह अनजाने में ही लाखों लोगों की जान ले लेता है। 10. यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप बीमार हैं तो यह छुपाइए मत। इसके लिए सही डॉक्टर, हॉस्पिटल आदि से इलाज लेकर सही उपचार लीजिए। समय से इलाज मिलने पर बीमारी गंभीर रूप धारण नहीं कर पाएगी। यह आपके जीवन का प्रश्न है, इसमें लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। 11. समय समय पर अपना बीपी, शुगर चेक करते रहिए, चाहे आप बीमार हो या नहीं। इससे कोई बीमारी होने से पहले ही पता चल जाता है और परेशानी गंभीर नहीं हो पाती। 12. यह हमेशा याद रखिए कि आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, भले ही कोई आपको यह जताए या नहीं। आपकी अनुपस्थिति में परिवार बिखर जाएगा, परेशान हो जाएगा, इसलिए अपना पूरा ध्यान रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। ठीक लगे तो इस बात को अपनी हर उस मित्र, शुभचिंतक, परिजन तक पहुंचाइए जिसे आप वास्तव में स्वस्थ देखना चाहते चाहती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।